वेलकम टू आईफोन। आईफोन में आपका हार्दिक स्वागत है। यार हाँ जी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल देख के आइडिया तो लग गया होगा कि किस चीज़ पर है। मतलब काफ़ी इस चीज़ को लेके मतलब टाइम लगा सोचने में, लूँ ना लूँ, क्योंकि भाई साहब भारी इन्वेस्टमेंट की है। पर यह कि यार ट्रैवलिंग कर रहा हूँ एंड ना काफ़ी टाइम से सोच रहा था, मैं कंफ्यूज था कि यार कर दे, बट मैंने कर दी एंड अच्छा लग रहा है। तो दिखाता हूँ भाई, जिस जो चीज़ का काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। चलो जी, 1, 2 एंड 3। भाई साहब, iPhone 14 Pro Max। भाई साहब, मतलब ये आया ना जैसे ही, मतलब नेक्स्ट लेवल खुशी थी यार। मैंने एक्चुअली इसे मंगवाया US से, सस्ता पड़ा है, काफ़ी सस्ता पड़ा है। सारी डिटेल्स मैं शेयर करूँगा, अभी तो थोड़ा सा इसे खोलता हूँ, मैं दिखाता हूँ। एक सेकेंड, ये भाई साहब देखो जी, खोले से बारा जा। अरे वाह, पर्पल, मतलब कलर भी मिल गया अपने को सबसे बढ़िया। एंड ऑन करें इसे। चल भाई, हा यार, चलो जी, इस फोन को ना, ये इसकी एक USB केबल है। इस फोन को थोड़ा सेटअप वेटअप करता हूँ, फिर बताता हूँ कि भाई साहब ये लिया क्यों, एंड और भी ऑप्शंस थे, मैंने और क्यों चूज़ नहीं की चीज़। मतलब ये नहीं सिर्फ कि ब्रांड के लिए गया हूँ, और भी था। मैं सोच रहा था DSLR पे इन्वेस्ट कर दूँ पहले ना, क्योंकि DSLR इतने ही रेंज में आ जाता मेरे को, जो इससे शायद, इस शायद नहीं पक्का, इससे बेटर क्वालिटी देता वीलॉग्स में। बट यार मल्टीपर्पज़ है ना, तो ये डिसीजन अभी लेना है, लिया था। तो बाकी देखेंगे आगे जाके, DSLR भी आई थिंक लूँगा ज़रूर। अभी ये है कि ग्रेजुअली आई एम इन्वेस्टिंग। मतलब ऐसा तो है नहीं कि कुबेर का खजाना हाथ लगाए कि भाई साहब खरीदे जा रहा हूँ। बट हाँ, ये है कि अब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहे हैं। बाकी इसको एक बार कन्फिगर कर लेता हूँ, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब निकल रहा हूँ मैं घर से, निकल के ना कि कैफ़े में थोड़ा सा कॉफ़ी शॉफ़ी पी के हैं, वहाँ डिस्कस करता हूँ कि कैसा है। चलो गाइस, कैच यू। गाड़ी हो गई है गरम। चलो भाई चलो। से पहले की तैयारी इतनी इम्पोर्टेंट होती है ना, मतलब चीज़ों के लिए, प्री एंड पोस्ट दोनों ही। एक तो दिक्कत आ जाए भाई,
ध्यान से ध्यान से। कॉफी शॉफी पी है, सवेरे संडे का दिन है, होपफुली ट्रैफिक ना मिले। चलो जी मिलते हैं फिर। हाँ जी, तो ये कैफे है, रूट्स द कैफे इन द पार्क, मतलब है ना, देखो लबियाना वो पार्क है, अपना जॉग वॉक कर लेते हैं, कैफे खुला हुआ है बीच में। एक सेकंड, कहाँ से एंट्री है, यहाँ से। गजब कैफे है, गजब गजब कैफे में ना गजब थॉट्स आते हैं, फिर अच्छे अच्छे ट्रैवल आइडियाज आएंगे, है ना। यहाँ पे भीड़ लग रही है यार आज, लेट्स चेक। काली गाजर का हलवा, भाई ये कह रहे थे वीडियो ना बनाओ। कैसे ना बनाए भाई, कैमरा मेरा, आज़ाद देश है, हैं वीडियो ना बनाए। ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ कि वीडियो नहीं बना सकता, हैं ये कोई बात है बताओ। खैर अभी वेटिंग है 20 मिनट की, तो मैंने कहा थोड़ी सी वॉक हो जाए, वैसे ही भी साला वॉक तो मैं करता ही नहीं ना, आलसी किस्म का आदमी हूँ। यार 8 बजे खुल जाता है कैफे सवेरे, जल्दी आता तो और सही फील आती, मैं पहुंचा ही 10:30 हूँ। हाँ जी, तो अपना ना नेक्स्ट ट्रिप उत्तराखंड होने वाला है, कहाँ ये तो मैं भी नहीं जानता, मैं कभी प्लान करके नहीं चलता, ये देखूँगा कि करना क्या। मैं सोच रहा हूँ इस बार मतलब ज़्यादा लंबा तो नहीं, 4 दिन का एडवेंचर प्लस लेजर टाइप का कुछ कर लूँ, है ना। अरे यार, अरे कॉल आ गई शायद, 1 सेकेंड। हेलो हेलो, ओके ओके, आई एम कमिंग। हाँ जी आ गया जी कॉल। आ गया जी, आज लकी है जी, 20 मिनट का था, 5 मिनट में आ गया नंबर। चलो जी थोड़ा कॉफ़ी शॉप भी पीते हुए बात करते हैं, हैं। हाँ जी, अब आ जाते हैं सीधी सीधे मुद्दे पे। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है वो इसलिए लिया है क्योंकि यार मुझे, मैं अभी वी लॉगिंग वगैरह शुरू की है, एंड उससे अच्छा मतलब मेरे, मुझे लगता है मैंने रिव्यूज़ भी पढ़े थे, कैमरा बहुत सही है उसका, 48 मेगापिक्सल है और सिनेमैटिक शॉट्स बहुत अच्छे आते हैं उससे। सो प्लस आईफोन तो आईफोन है ना यार। सो अब जो दूसरी बात, आप मेरा टाइटल देख रहे हैं कि ये कैसे मतलब 1.5 लाख का फ़ोन 1 लाख में कैसे, तो भाई इसमें कोई ऐसा मैंने जादू टोना तो किया नहीं है। अमेरिका US से कोई भी आए उससे मंगवा लो, 50,000 रुपये सस्ता पड़ जाता है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। अभी जो 50,000 रुपये बचेंगे उससे मैं Insta360 लूँगा, है ना, स्टिक के साथ आ जाएगा वो, तो फ़ायदा है। कोई दोस्त आ रहा हो, कोई आ रहा हो तो मंगवा लो, बहुत ही सही है। मतलब
अच्छे खासे वीलॉग बन जाते हैं आईफोन 14 प्रो से ना, सिनेमैटिक वीडियो या वीलॉग, एक माइक कनेक्ट करो और इजी टू वो। सो इसलिए 1 लाख में इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, लेना चाहिए मैं तो कहूँगा। और बाकी रिव्यूज़ आते हैं, वेस्ट है क्या है, मेरा ये था कि भाई आईफोन 14 ये है ना, अभी तो फ़िलहाल हाथ में, आज मैं यही लेके निकला हूँ, वो तो अभी निकाला नहीं, उस पर स्क्रीन गार्ड वगैरह लगवाना है। आईफोन 11 प्रो था मेरे पास, तो इससे तो बहुत ही तगड़ा अपग्रेड है। सो एंड जिसके पास आईफोन 13 प्रो है वो थोड़ा वेट कर सकता है, बट आईफोन 11 प्रो से आईफोन 14 प्रो मैक्स बहुत बड़ा अपग्रेड है। प्लस स्टोरेज में बहुत फ़र्क है, 64 GB है वो जो है वो 256 GB है, तो मेरे लिए तो यार सहूलियत होती है अगर एक्स्ट्रा स्टोरेज आ जाए ना। सो इसलिए अच्छा वो है यार, मतलब। और इसमें हाँ एक बात और बता दूँ, अगर US से मंगवा रहे हो तो ई सिम लगेगा, फिज़िकल सिम अब नहीं है उसमें, जो कि अब इंडिया में भी है एयरटेल पे, मेरा एयरटेल का है, आप फिज़िकल सिम को ई सिम में आराम से कन्वर्ट करा सकते हो, बहुत इजीली हो जाता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, अच्छी बात भी है। तो यही है यार मोटा मोटा, सॉरी सो यही है मोटा मोटा रीज़न जो मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स लिया। देखते हैं अब उस पर अगली ट्रिप जो है नेक्स्ट उत्तराखंड की, उस पर उससे शॉर्ट्स भी बनाएंगे, देखेंगे कैसी उसकी परफॉर्मेंस रहती है, बाकी देखते हैं। बट यू शुड गो फॉर इट, मतलब बहुत सारे चैनल जानबूझ के लिख देते हैं कि भाई साहब मेरा पैसा बर्बाद हो गया, 1.5 लाख, वो सिर्फ वीडियो पे व्यूज़ बढ़ जाते हैं यार, अभी लिखूँगा मैंने 1.5 लाख का फ़ोन लिया, एकदम बकवास है, वो लोग देखेंगे भाई क्यों बकवास है, ये बकवास बकवास नहीं है, फ़ोन बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एप्पल पागल नहीं है वो तो, ये लोग अच्छा जो लिखते हैं ना ज़्यादातर की डेट का, वो बाहर से मंगवाते हैं पर लिखेंगे हाँ भाई मैंने 1.5 का ही लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल सारे जने स्मार्ट हो गए हैं, जिसके पास बहुत पैसा है वो तो ले लेता है, बट हम जैसे लोग, तुम्हारा कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है US से मंगवा लो, दुबई से सस्ता तो पड़ेगा बट 30-35 हज़ार, बट US से डायरेक्ट 50 हज़ार सस्ता पड़ रहा है, तो अब आपको डिसीजन लेना है, यू शुड गो फॉर इट 100%। ठीक है जी, चलिए मैंने खा पी तो लिया ही है यहाँ पे, अब और काम निपटाते हैं। ठीक है जी, ओके जी, बाय, टेक केयर।